दोस्तों नमस्कार भाई। बारिश का मौसम आ गया है और बहुत सारे कमेंट बारिश से रिलेटेड, जो ही बारिश आती है आप लोगों के आने लग जाते हैं। और उसी से संबंधित मैं देख रहा था कि सर बारिश के मौसम में हम बकरियों को गुड़ खिलाएं या ना खिलाएं, गुड़ खिलाना कितना खतरनाक हो सकता है। आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए, जो जागरूक बकरी पालक हैं, जो कंप्लीटली बातों को जानते हैं, उनके लिए एक विशेष बात ये रहती है कि वो पूरा प्रोटोकॉल ऑलरेडी फॉलो करते रहते हैं। जैसे डिवॉर्मिंग हुआ, लिवर टोनिक हुआ, मिनरल मिक्सचर देना हुआ, बैलेंस्ड डाइट हुआ, ये कुछ चुनिंदा चुने हुए जो प्रोटोकॉल हैं जो सभी इस्तेमाल करते भी हैं, लेकिन कहीं नहीं करते हैं ना, तब समस्या होती है। अगर आपने बारिश के मौसम की शुरुआत में ही अपनी बकरियों को डिवॉर्मिंग करवा दिया तो वहाँ पर किसी तरीके की दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन अगर डिवॉर्मिंग, जिन बकरियों की डिवॉर्मिंग नहीं हुई है और उनको गुड़ दिया जाता है, सोचिए जिनकी डिवॉर्मिंग नहीं हुई है और उनको ग्रोथ के लिए गुड़ वाकई शानदार है। आयरन का अच्छा सोर्स, एनर्जी का अच्छा सोर्स, कैल्शियम, फॉस्फोरस, कितने ही विटामिन और मिनरल्स इसमें मिलते हैं भाई, इस वजह से ये बहुत ही शानदार है। लेकिन गड़बड़ कब होती है? आप खुद गड़बड़ कर देते हैं। अब जब ये इतना शानदार है तो हम क्यों नहीं देंगे? बारिश के मौसम में भी आपको गुड़ देना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। ताज़ा ब्याई हुई के लिए तो ये वरदान है, क्योंकि एनर्जी लेवल को भी मेंटेन करता है और दूध भी बढ़ाता है। बाकी आप अगर दूसरों को भी देते हैं तो भाई एनर्जी लेवल और शरीर की गर्मी और इम्यूनिटी याद रखिएगा, इम्यूनिटी बढ़ाने में ये बहुत अच्छा सहायक है। और इम्यूनिटी की ज़रूरत बारिश के मौसम में पड़ती ही है। लेकिन जिन पशुओं की, जिन बकरियों की डिवॉर्मिंग नहीं हुई है और उन्हें गुड़ दिया जाता है लगातार, भाई गुड़ हम 5 से 10 ग्राम देते हैं बस, वही बहुत है, गुड़ का पानी पिला दिया, लेकिन डिवॉर्मिंग नहीं होती, उनको पिलाया जाता है तो क्या होता है? अंदर जो पेट में कीड़े हैं वो कीड़े इस गुड़ को प्राप्त करके बहुत हष्टपुष्ट हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ जो है, हम तो चाह रहे थे कि बकरी की ग्रोथ हो, बकरी की ग्रोथ की बजाय उन कीड़ों की ग्रोथ हो जाती है और वो कीड़े फिर धीरे धीरे करके बकरी के लिए जानलेवा बन जाते हैं। तो भाई गुड़ कब देना चाहिए? जब आपने डिवॉर्म करवा रखा है तब आप गुड़ दीजिए, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान, अभी जैसे बारिश आती है ना, उससे पहले का जो समय होता है बहुत क्रिटिकल होता है, मतलब जो उमस होती है, जो तपन होती है वो बहुत क्रिटिकल होती है और गाभिन बकरियों के लिए ये बड़ी ही नुकसानदायक होती है। तो जहाँ तक हो सके आप गाभिन बकरियों को ना दें, बाकी सबको दे सकते हैं। हालांकि इसमें आयरन होने की वजह से अच्छा रहता है अगर सर्दी का मौसम हो या ज़्यादा गर्मी ना हो, लेकिन जब ज़्यादा गर्मी हो तो उस समय स्किप किया जा सकता है, मात्रा को बिल्कुल कम किया जा सकता है। बाकी भाई गुड़ देना बहुत ही शानदार रहेगा, एक ही सूरत में नुकसान रहेगा, अगर आपने डिवॉर्मिंग नहीं करवाई है और गुड़ दे रहे हैं तो ये मिठास कीड़ों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो जाएगी और फिर बकरियों के लिए जानलेवा। इसके अलावा जो 1 तारीख गई है और जो 1 तारीख आने वाली है, इससे हम बकरियों की A to Z ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और ये ट्रेनिंग हमारे रामावत एनिमल ऐप पर होती है। वहाँ चले जाइए, आपको डेमो क्लास भी मिलेगी, फ्री क्लास भी मिलेगी, और हाँ वहाँ पर जो फ्री प्रॉब्लम सॉल्यूशन सेक्शन है वहाँ पर, और गॉट जो फार्मिंग का सेक्शन है वहाँ पर मैं फ्री लाइव भी आता हूँ 10 से 10:30 के बीच, तो वो ज्वाइन करके भी आप अपने प्रश्नों का जवाब प्राप्त कर सकते हैं।